नमस्कार, आप देख रहे हैं दादस्तक 24। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में महिला डॉक्टर के साथ सामूहिक दुष्कर्म और फिर हत्या ने पूरे देश में गुस्से का माहौल कर दिया है। राजधानी दिल्ली NCR समेत पूरे देश में इस दरिंदगी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारत की मर्द व्यवस्था भी बहुत खराब हो चुकी है। सख्त कानून और फांसी की मांग को लेकर न जाने कितने प्रदर्शन हुए, मगर बहुत कुछ ऐसा जरूर है जो इसके बस की बात नहीं है। या तो भारत का पुरुष समाज भीतर से सड़ गया है, उसके मानस और मनोविज्ञान का जिन चीज़ों से निर्माण हो रहा है उसे हम समझ नहीं पा रहे हैं। इस प्रश्न को लेकर गंभीर होने का समय अभी आ गया है। बलात्कार मामलों में कानूनी सख्ती के अलावा कई पहलुओं पर ध्यान देना ही होगा। देर से सजा हो या जल्दी से सजा हो, दोनों का बलात्कार के मामलों पर खास असर नहीं पड़ रहा है। आपको कुछ आंकड़े बताता हूँ। 1 जनवरी 2019 से लेकर 30 जून 2019 तक 24,212 बलात्कार के मामले दर्ज हुए थे। यह केस सिर्फ नाबालिग बच्चों और बच्चियों से संबंधित थे। इसी रिकॉर्ड को देखें तो 12,231 केस में पुलिस आरोप पत्र दायर कर चुकी थी और 11,981 केस में जांच कर रही थी। हैदराबाद में महिला वेटनरी डॉक्टर से गैंगरेप के बाद उसकी हत्या और फिर सबको जलाने की संगीन वारदात के बाद हैदराबाद ही नहीं देश भर के लोग उभर रहे हैं। इस गंभीर हत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। राज्य की पुलिस ने अब इस मामले में कोताही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की है। साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर BC सज्जनार ने इस मामले में 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। मृतक डॉक्टर के परिवार वालों ने यह आरोप लगाया था कि साइबराबाद पुलिस उन्हें दौड़ाती रही, अगर उसकी तत्काल कार्रवाई हो जाती तो पीड़िता को जिंदा बचाया जा सकता था। पीड़िता की मां ने बताया कि घटना के बाद मेरी छोटी बेटी थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंची, लेकिन उसे दूसरे थाने शमशाबाद भेज दिया गया। पुलिस ने कार्रवाई की बजाय कहा कि यह मामला उसके क्षेत्र में नहीं आता है। बाद में पीड़िता के परिवार के साथ कई सिपाही लगाए गए और सुबह 4 बजे तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन उसका पता नहीं चल पाया। पीड़िता की बहन ने कहा, एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन जाने में हमारा समय काफ़ी बर्बाद हो चुका था। अगर पुलिस ने समय रहते इस पर कार्रवाई कर दी होती तो मेरी बहन आज जिंदा होती। हैदराबाद गैंगरेप और मर्डर केस को लेकर देश भर में जबरदस्त आक्रोश का माहौल है। तेलंगाना समेत कई राज्यों में शनिवार को इस नृशंस कांड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए और आज भी लगातार हो रहे हैं। हैदराबाद में आक्रोशित भीड़ ने सादनगर पुलिस स्टेशन का घेराव किया और उस समय उसमें घुसने की कोशिश की जिस वक्त चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश करने से पहले थाने में रखा गया था। इस दौरान लोगों ने पुलिसकर्मियों पर चप्पलें भी फेंकी। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि आरोपियों को उनके हवाले कर दिया जाए। हैदराबाद में डॉक्टर के निर्मम रेप और हत्याकांड के आरोपियों के परिवारों ने साफ कहा है कि उनके बेटों को अगर मौत की सजा दी जाती है तो वे विरोध बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एक आरोपी की मां ने यहां तक कह दिया कि जैसा पीड़िता के साथ किया गया है वैसा ही आरोपियों को भी जला देना चाहिए। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की बरेली जनपद की आयरन लेडी नाम से मशहूर रितु साक जी, जो महिलाओं के लिए कार्य करते हैं, समाज सेवा के लिए वे एक NGO का भी संचालन करते हैं, उन्होंने हैदराबाद में डॉक्टर के इस प्रकरण के बाद सोशल मीडिया के माध्यम से अपना गुस्सा जाहिर किया। फिलहाल देखें यह वीडियो। जी, मेरा नाम ऋतु शाक्य है, प्रेसिडेंट वुमेन चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी NGO उत्तर प्रदेश बरेली से हूँ। और जैसा कि आज आप देख ही रहे हैं, हमारी सभी वॉलेंटियर सभी कार्यकर्ता यहाँ आई हुई हैं और यहाँ पर गांधी उद्यान में हम गांधी की मूर्ति के नीचे हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे कि प्रियंका को उनको दरिंदों ने रेप करके उसको जलाया गया है, पेट्रोल डालकर ऐसी निर्मम हत्या उसकी की गई है, उसी के विरोध में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हमारी ऐसी मांग है हमारी पूरी संस्था की, हम लोगों की, कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला जाए और 3 महीने के अंदर जजमेंट दो और दरिंदों को फांसी सुनाई जाए। और साथ ही जैसे कि सरदार लोगों को अधिकार होता है, वो कृपाण लेकर चलते हैं, वो तलवार लेकर चलते हैं, उनको कानून है कि वो लेकर चल सकते हैं, ऐसी हम महिलाओं को बहुत ज़रूरत है। सरकार से मैं मांग करती हूँ ऐसा कानून पास करें ताकि महिलाएं अपनी सुरक्षा खुद करें, क्योंकि हमें भरोसा नहीं है कानून पर, हमें भरोसा नहीं है सरकार पर, क्योंकि महिलाएं कहीं पर भी सेफ नहीं है। और सरकार से ऐसी मैं मांग करती हूँ कड़ा से कड़ा कानून तो बन गए हैं, लेकिन उन पर अमल कब होगा, उस पर सख्त से सख्त उस पर कार्रवाई कब होगी। कितनी प्रियांगी, कितनी आसिफा, कितनी प्रियंका, कितनी निर्भया, न जाने कितनी मार दी जाती हैं और कुछ तो पता चलता है, कुछ को तो पता चलता ही नहीं है।
तो ऐसे दरिंदों को इनके प्राइवेट पार्ट्स काटकर रोड पर ठक दिए जाए ताकि एक मैसेज फॉल्स आउट हो। किसी को करने से पहले लोग सोचे एक बार, जब करना तो दूर सोचे तो उनकी रूह कांप जाए, और उनको बीच चौराहे पर खड़े करके गोली मार देनी चाहिए ऐसे दरिंदों को। ऐसी मैं मांग करती हूँ सरकार से, क्योंकि अभी पुलवामा में अटैक हुआ। कहना चाहूँगी कि देश के गद्दारों ने जो ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया, अरे आपकी क्या इतनी मानसिकता मर गई थी? क्यों नहीं आपने, जब आपको मारना ही और अटैक कराना था, तो क्यों नहीं इन दरिंदों को फांसी दी? क्यों नहीं इन दरिंदों को गोलियां मारी गई, ताकि ये भविष्य में किसी बहन बेटी की तरफ आँख उठाकर देखते तो उनके ये इनकी रूह कांपती, क्योंकि इनको सजा नहीं मिलती है। इसलिए ये दरिंदों के हौसले बुलंद है, इससे पता लगता है। जैसे ये घटना हुई है, इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि अपराधी कितने बेखौफ है। ये कब इनको सुरक्षा मिलेगी? महिला को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, कहाँ से बचेंगी बेटियाँ? अरे तारीख के बजाय आप बलात्कारियों को फांसी नहीं दे सकते, और आप कहते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बंद कर दीजिए नाटक, हमें नहीं चाहिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ से बचेंगी बेटियाँ, जब बेटियाँ सेफ ही नहीं है, उनको मार दिया जाएगा। एक हेल्प मांगना आज इतना, मतलब एक हेल्प मांगना इतना ज़्यादा खतरनाक हो गया है कि बेटी उनको उसको जिंदा जला दिया जाता है। एक उंगली जलती है, कितना दर्द होता है। एक बेटी को जिंदा जलाया गया होगा, कितनी तड़प होगी उसके अंदर, जरा महसूस करिए उस तड़प को। और मैं कहना चाहूँगी जो एसीओ में बैठते हैं ना, जो एसीओ के अंदर बैठी हुई महिलाएं हैं जेंट्स हैं, उनको मैं ये मैसेज पास आउट करना चाहूँगी। ये मत सोचिए कि उस बेटी के साथ हुआ है तो कल आपकी बेटी के भी साथ होगा। इसलिए निकल कर आइए और न्याय के लिए आवाज़ लगाइए। यही मैं मैसेज देना चाहूँगी देश की जनता के लिए, और सरकार से मांग करती हूँ दरिंदों को जल्द से जल्द फांसी 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 फांसी, उन्हें फांसी होना चाहिए। बहन रितु शक ने अपने इस वीडियो में जो भी कहा है सच कहा है। सरकार का दिया हुआ सिस्टम ठीक कतई नहीं है। जो भी सिस्टम है हर तरफ घुसखोरी है। शायद आप भी इस सिस्टम के द्वारा कभी छले गए होंगे। अभी कुछ समय पूर्व निर्भया कांड लोग भूले भी नहीं हैं कि एक मामला और सामने आ गया है, और अनगिनत जाने कितने मामले सामने आते ही नहीं हैं। हैदराबाद की पशु चिकित्सक महिला के कातिलों को फांसी होनी चाहिए, ऐसी मांग द दस्तक 24 परिवार भी करता है। इसी कड़ी में निष्पक्ष मीडिया फाउंडेशन, जो कि एक सामाजिक संगठन है, यह पीड़ितों के लिए काम करता है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश श्रीवास्तव ने भी हत्यारों की फांसी की सजा देने की मांग उठाई है। आप बने रहिए द दस्तक 24 के साथ। नमस्कार।